जय हिंद बच्चों, आज हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का प्रोटोजोअन क्लास पढ़ेंगे। हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा का क्राइसोफाइट, डाइनोफ्लेजिलेट, स्लाइम मोल्ड, यूग्लेनोइड ये चारों क्लासेज के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रोटोजोअन होगा, तो प्रोटोजोअन के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि प्रोटोजोअन कैसा होता है, कहाँ पाया जाता है, क्या खाता है, क्या पीता है। ठीक है, तो हम लोग प्रोटोजोअन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रोटोजोअन में पढ़ेंगे कि सभी के सभी प्रोटोजोअन हेटरोट्रॉप्स होते हैं। सभी के सभी प्रोटोजोअन हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स का मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड रहते हों, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। तो प्रोटोजोअन हेटरोट्रॉप्स होते हैं। हेटरोट्रॉप्स में ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। प्रीडेटर और पैरासाइट में काफ़ी डिफरेंस है, तो हम दोनों के डिफरेंस हम अभी कर देते हैं, अभी बता देते हैं कि इनमें क्या डिफरेंस है। प्रीडेटर में ये क्या करते हैं कि छोटे ऑर्गेनिजम्स को किल करते हैं और किल करने के बाद खा जाते हैं, ठीक है, ईट कर जाते हैं। और पैरासाइट में क्या करते हैं कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पर या उसके अंदर रहकर उसमें से ऑर्गेनिक मैटर को या ऑर्गेनिक मटेरियल को एब्जॉर्ब करते रहते हैं। ठीक है, तो प्रीडेटर और पैरासाइट में यही डिफरेंस है कि प्रीडेटर में दूसरे ऑर्गेनिज्म को किल करके खा जाते हैं और पैरासाइट में उसके सरफेस पर या उसके अंदर, ठीक है, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, या हम उसे होस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, उसे हम लोग होस्ट भी कह सकते हैं, तो होस्ट के अंदर या बाहर रहकर अपना फूड बनाते हैं। तो प्रोटोजोअन हेटरोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, हेटरोट्रॉप्स में ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। प्रोटोजोअन को एनिमल का प्रिमिटिव रिलेटिव्स कहा जाता है। ठीक है, प्रोटोजोअन को एनिमल्स का प्रिमिटिव रिलेटिव्स भी कहा जाता है। तो यही लिखा है कि प्रोटोजोअन आल्सो नोन एज प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल्स। ठीक है, तो प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है प्रोटोजोअन को। तो प्रोटोजोअन को प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स भी कहा जाता है। अब हम लोग सेकेंड पेज पर चलते हैं। सेकेंड पेज पर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रोटोजोअन को फिर से चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, प्रोटोजोआ को फिर से चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है और उसका हम लोग नाम देंगे। पहला है अमीबॉइड प्रोटोजोअन और दूसरा फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोअन, तीसरा सिलिएटेड प्रोटोजोअन और चौथा स्पोरोजोअन। ठीक है, चौथा स्पोरोजोअन। तो हम लोग बारी बारी से चारों ग्रुप को डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये कहाँ पाए जाते हैं, क्या खाते हैं, ये हेटरोट्रॉप्स होते हैं या ऑटोट्रॉप होते हैं। हम सब चीज़ के बारे में डिटेल में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अमीबॉइड प्रोटोजोअन के बारे में पढ़ेंगे। अमीबॉइड प्रोटोजोअन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि ये कहाँ पाया जाता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाता है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन फ्रेश वाटर या सी वाटर या मॉइस्ट सॉइल में, ठीक है, मॉइस्ट सॉइल में प्रेजेंट रह सकता है। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन की अगर रहने की बात करें तो ये एक्वेटिक होते हैं। ठीक है, एक्वेटिक में ये फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। ठीक है, टेरेस्ट्रियल में आप मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जा सकते हैं, जहाँ ऐसी मिट्टी जिसमें थोड़ी बहुत नमी हो तो उसमें ये जो है तो ग्रो कर सकते हैं। तो अमीबॉइड प्रोटोजोअन फ्रेश वाटर में भी पाए जा सकते हैं, सी वाटर में भी पाए जा सकते हैं और मॉइस्ट सॉइल में भी पाए जा सकते हैं। जब अमीबॉइड प्रोटोजोअन सी वाटर में प्रेजेंट रहते हैं, उनकी सरफेस पर सिलिका की लेयर प्रेजेंट होती है जो अमीबॉइड प्रोटोजोअन
सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं। उनके सरफेस पर सिलिका की लेयर प्रेजेंट होती है। तो वही लिखा है, when found in sea then silica present। तो आगे पढ़ेंगे, अमीबॉइड प्रोटोजोवन में सीडोपोडिया, ठीक है, सीडोपोडिया प्रेजेंट होता है। इसे हम लोग फॉल्स फिट भी कहते हैं, फॉल्स फिट। तो इसके जरिए से, सीडोपोडिया के जरिए से फूड को इनगल्फ करता है, ठीक है, इनगल्फ करता है, मतलब फूड को अपने बॉडी के अंदर लेकर जाता है थ्रू द स्यूडोपोडिया, ठीक है, थ्रू द स्यूडोपोडिया, थ्रू द, ये टेम्पोररली जो है तो स्ट्रक्चर बनता है और उसी स्ट्रक्चर के जरिए से फूड को इनगल्फ करता है। तो वही लिखा है यहाँ पर, पीछे हम लोग चलते हैं, वेन, ठीक है, वेन फूड पार्टिकल प्रेजेंट देन स्यूडोपोडिया विल फॉर्म बाय द अमीबॉइड प्रोटोजोन। तो ये स्यूडोपोडिया कब बनता है, स्यूडोपोडिया कब बनता है, जब फूड प्रेजेंट हो, ठीक है, जब उसके सामने फूड प्रेजेंट हो तो उस समय ये स्यूडोपोडिया जो है तो टेम्पोररली स्ट्रक्चर बनता है जिसके जरिए से फूड को इनगल्फ करता है और अपना भोजन बनाता है। अमीबॉइड प्रोटोजोन में दो एग्जाम्पल हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल हैं, इनको याद रखना है। तो पहला एग्जाम्पल है अमीबा, पहला एग्जाम्पल है अमीबा और दूसरा एंटमीबा, ठीक है, दूसरा एंटमीबा, ENTAMOEBA, ठीक है, तो दूसरा क्या है, एंटमीबा। अमीबॉइड प्रोटोजोन में सबसे पहला एग्जाम्पल है अमीबा और दूसरा एंटमीबा, ठीक है। आगे हम लोग, अगला जो ग्रुप है वो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन है, तो हम लोग इसके बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। तो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन फ्री लिविंग भी हो सकता है, ठीक है, फ्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है और प्री लिविंग भी हो सकता है, ठीक है। प्री लिविंग का मतलब अब दूसरे ऑर्गेनिज्म से कोई मतलब नहीं है और वो खुद से अपना भोजन जो है तो बनाएगा। तो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन ये प्री लिविंग भी हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। तो पैरासिटिक में एक्टो पैरासिटिक भी हो सकता है और इंडो पैरासिटिक भी हो सकता है। एक्टो और इंडो पैरासिटिक का मतलब होता है कि अगर बॉडी के सरफेस पर रहता है फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन तो उसको हम लोग एक्टो पैरासिटिक कहते हैं, और अगर बॉडी के अंदर रहकर अपना फूड बनाता हो तो ऐसे फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन को हम लोग इंडो पैरासिटिक कहते हैं, इंडो पैरासिटिक कहते हैं। फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन के नाम से ही लग रहा है कि इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट होगा, ठीक है, फ्लेजिलेटेड नाम से ही लग रहा है, फ्लेजिलेटेड लिखा है तो इसमें फ्लेजिला प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन में फ्लेजिला प्रेजेंट रहता है, फ्लेजिला प्रेजेंट रहता है फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन में। इसका जो एग्जाम्पल है ट्रिपेनोसोमा, ठीक है, ट्रिपेनोसोमा, इसका जो एग्जाम्पल है वो ट्रिपेनोसोमा है। तो ट्रिपेनोसोमा एक बीमारी काज करता है, उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। तो ट्रिपेनोसोमा फ्लेजिलेटेड प्रोटोजोन का एग्जाम्पल है, ये एक बीमारी काज करता है, उस बीमारी का नाम है स्लीपिंग सिकनेस। अगला जो ग्रुप है वो सिलिएटेड प्रोटोजोआ है, ठीक है, अगला जो ग्रुप है वो सिलिएटेड प्रोटोजोआ है। इसके नाम से भी लग रहा है कि इसमें सिलिया प्रेजेंट होगा, तो सिलिया इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में प्रेजेंट रहता है, तो लिखेंगे यहाँ पर सिलिया प्रेजेंट, ठीक है, सिलिया प्रेजेंट, सिलिया की काफ़ी ज़्यादा संख्या रहती है इसकी बॉडी पर और इसके नाम से ही लग रहा है कि इस पर सिलिया प्रेजेंट होगा। सिलिएटेड प्रोटोजोआ एक्वेटिक होते हैं, एक्वेटिक मतलब पानी में पाए जाते हैं, ठीक है, पानी में पाए जाते हैं और सिलिएटेड होते हैं, हम ये बता चुके हैं आप लोगों को। और ये एक्टिवली मूविंग करते हैं, ठीक है,
एक्टिवली मूविंग करते हैं। एक्टिवली मूविंग का मतलब कि जैसे कि ये पानी इधर मूव कर रहा है, ठीक है, ये पानी इधर मूव कर रहा है, ये वाटर है, ये वाटर है, ये वाटर है। तो सिलिएटेड प्रोटोजोआ क्या करता है कि इसके ऑपोजिट फ्लो करने लगता है, तो इसको हम लोग एक्टिवली मूविंग हम लोग कहते हैं। अगर पानी के धार के साथ मूव करता है तो उसको हम लोग पैसिवली मूविंग कहेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग पैसिवली मूविंग कहेंगे। अगर पानी के फ्लो के साथ मूव करता है तो हम लोग उसे पैसिवली मूविंग कहेंगे, और ये क्या है, एक्टिवली मूविंग। तो सिलिएटेड प्रोटोजोअन एक्टिवली मूविंग होता है। ये होता है इसलिए क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा सिलिया परसेंट होता है, और सिलिया की वजह से ये जो है तो पानी के फ्लो के ऑपोजिट मूव कर पाता है। सिलिएटेड प्रोटोजोअन में गलेट प्रेजेंट रहता है, ठीक है, गलेट ये कैविटी है सिलिएटेड प्रोटोजोआ की, जो कि फूड को इनगल्फ करने में मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। तो गलेट प्रेजेंट इन सिलिएटेड प्रोटोजोआ विच हेल्प्स टू इनगल्फ फूड। और इसका जो एग्जांपल है वो पैरामीशियम है, ठीक है, तो पैरामीशियम इसका एग्जांपल है। इस पर सिलिया प्रेजेंट रहता है इस पर, ठीक है, इस पर सिलिया प्रेजेंट होता है, और इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल। इसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, ठीक है, इसमें इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज होता है, तो वो काफ़ी ख़तरनाक होता है, वो काफ़ी बीमारी काज करता है, डिजीज़ काज करता है। और इसमें सबसे बेहतरीन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, ठीक है, इस प्रोटोजोअन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल है प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया काज करता है। मलेरिया काफ़ी घातक बीमारी है, ठीक है, काफ़ी फेटल बीमारी है, डिजीज़ है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और हम लोग इस प्रोटोजोअन का भी ये ख़त्म हो गया है टॉपिक ग्रुप, तो हमारा आज का कोर्स ख़त्म हो चुका है, तो द एंड, ठीक है, द एंड हो गया है आज का। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो किंगडम फंजाई होगा, किंगडम फंजाई के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे, ठीक है, डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे किंगडम फंजाई के बारे में। तो आज का हमारा